अंबाजरी पुलिस थाना अंतर्गत संचालित एस कैफे नामक हुक्का पार्लर पर छापामार कार्रवाई करते हुए जोन 2 डीसीपी विनीता शाहू के पथक ने 10 से 15 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें 3 नाबालिग लड़कों का भी समावेश है। पुलिस ने हुक्का पार्लर मालिक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। अंबाजरी पुलिस स्टेशन की हद में एस कैफे नाम का एक हुक्का पार्लर चलाया जा रहा था, ऐसी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली, जिस पर जोन 2 का जो स्पेशल स्क्वाड है उसने वहां जाकर कार्रवाई की है। वहां पर करीब 10 से 15 हुक्का पॉट्स जो है वो उसके साथ में जो फ्लेवर्स, कोल, ये सब साहित्य वहां पर मिला, और साथ ही वहां पर अलग अलग एज ग्रुप के जो यंगस्टर्स थे वो हुक्के का सेवन करते पाए गए। इसमें जो एस कैफे के मालिक हैं और उनका स्टाफ है उनको आरोपी बनाया गया है। ऐसे ही इसमें कोटपा के भी सेक्शंस लगे हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शंस लगे हैं, और साथ ही साथ इस पे कोविड के नॉर्म्स फ्लाउट करने की वजह से एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट के अंतर्गत और IPC की विविध धाराओं के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है। करीब 1 लाख के आसपास का साहित्य इसमें जब्त कर किया गया है, और जो 3 जुवेनाइल भी वहाँ पर 18 साल से कम की उम्र के जो बच्चे हैं वो भी ऐसे हुक्के का सेवन करते पाए गए, उनको उनके पेरेंट्स के को बुलाकर उनके ताबे में दिया गया है, और बाकी के जो लोग उधर पर मिले हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई। देखिए, कब से चला रहे हैं इसके बारे में तो जो अभी तक बताया जा रहा है कि अवैध रूप से चलाया जा रहा था, इसकी सहानिशा की जा रही है कि जो कैफ़े है वो भी अवैध रूप से चलाया जा रहा है। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू है, और इसमें जो मालिक है वो है निमिष सतीश बिस्सानी, जो है वो मालिक है, इनका ये का पार्लर है, और इनके मेन जो है ये मेन अक्यूज है। देखिए, ये जो सेक्शंस हैं सारे अवेलेबल सेक्शंस हैं, तो अकॉर्डिंगली जो है कार्रवाई की गई।